जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक जमाना था जब घर कितना बड़ा है इसका अंदाजा उस पर लगे एंटीना से लगाया जाता था। शाम के वक्त एंटीना की दिशा बदलना और चिल्लाकर पूछना आया इस बात का संकेत होता था कि फलाने के घर में टेलीविजन पर तस्वीर साफ नहीं आ रही है। ये बातें पुरानी जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोगों के जहन में आज भी ताजा है। देश में दूरदर्शन का आना जितनी बड़ी खबर थी, उतनी ही बड़ी खबर थी उसका रंगीन हो जाना। 25 अप्रैल 1982 ही वो दिन था जब दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइट लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1982 की। साल 1982 अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। एक ओर जहां खुशी थी दूरदर्शन के रंगीन हो जाने की, तो वहीं हमने दो बड़े नेताओं को खो दिया। देश को अपना 8वां राष्ट्रपति मिला, तो वहीं एशिया का सबसे लंबा पुल भी इसी साल बना। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शन के रंगीन हो जाने की। अब जमाना बदल गया है। आज जब कई घरों में परिवार के हर सदस्य के पास अपना एक निजी रंगीन स्क्रीन है, तब कल्पना भी नहीं की जा सकती कि रंगीन टेलीविजन वाले घरों के दरवाजे खास कार्यक्रमों के समय मोहल्ले भर के लिए खुले रहते थे। गांव से लेकर शहरों तक सड़कें वीरान हो जाती थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत तो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से हो चुकी थी, लेकिन देश में ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी तक आने में 23 साल का लंबा सफर तय करना पड़ गया। यानी 1982 में टीवी रंगीन हुआ। उस समय दूरदर्शन का ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होना इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि रंगीन टीवी स्टेटस सिंबल बन गया था। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को विदेशों से इम्पोर्ट करवाना पड़ा था। 1980 के दशक में दूरदर्शन घर घर में गया। इसकी शुरुआत तब के मद्रास और आज के चेन्नई से हुई थी। भारत ने नवंबर 1982 में एशिया खेलों की मेजबानी की और सरकार ने खेलों का रंगीन प्रसारण किया। इसके बाद 1980 के दशक को दूरदर्शन का युग कहा जाता है। एशियाई खेलों की तैयारी में ही भारत में रंगीन टेलीविजन बड़ी शान के साथ लाया गया, ताकि इन खेलों का रंगारंग प्रसारण किया जाए। 9वीं एशियाई खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए। दिल्ली में दूसरी बार इन खेलों का आयोजन किया गया। इससे पहले 1951 में पहले खेलों के बाद दूसरी बार दिल्ली ने ये खेल आयोजित किए। ये एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के नेतृत्व में हुए। एशियाई खेल महासंघ को भंग करके ही एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। 33 देशों के 3,411 एथलीट खेलों में शामिल हुए। घुड़सवारी, गोल्फ, हैंडबॉल, नौकायन और महिलाओं की हॉकी इन खेलों में शामिल हुई। इसमें भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और वह 57 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा, जो 2010 तक देश के लिए सबसे अधिक था। चीन ने 153 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। भारत के लिए सबसे प्रभावशाली परिणाम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आए, जहां एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 21 पदक अपने नाम किए। ट्रैक एंड फील्ड की दिग्गज पीटी उषा ने महिलाओं के 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीते। उन्होंने सियोल में आयोजित हुए अगले संस्करण में 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। हालांकि पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम को फाइनल में पाकिस्तान से पहले स्कोर करने के बावजूद 7-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि महिला हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए 37 गोल दागे और सिर्फ एक गोल खोया। अपने इस प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। साल 1982 में 8वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो कई मायनों में उल्लेखनीय था, खासकर जयल सिंह के एक कॉमेंट के लिए जिसमें विपक्ष ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। इंदिरा गांधी 1980 में जब वापस सत्ता में लौटी तो वो कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। जब 1982 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे तो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द कई ऐसे नेताओं के नाम थे जो उनके बहुत ही भरोसेमंद थे। राजीव गांधी को वो राजनीति में लेकर आई थी। वो कांग्रेस में महासचिव के पद पर आसीन कर दिए गए थे। राजीव उस समय राजनीति को समझ ही रहे थे। एक दिन उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि वो पार्टी के नेताओं
और अपने खास नेताओं के जरिए पैनल की लिस्ट तैयार करें कि किसे अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। जब लिस्ट तैयार हुई तो उसमें कई नाम थे, लेकिन एक नाम जिस पर इंदिरा और राजीव दोनों सहमत थे वो थे तत्कालीन गृह मंत्री जयल सिंह, जो इंदिरा गांधी के बहुत ही भरोसेमंद थे। लोकसभा की कार्यवाही में शेरों शायरी के जरिए चुटकियां लेने में माहिर थे। जब इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया तो उनका एक कमेंट कई सालों तक चर्चित रहा। इस पर विपक्षी नेताओं ने उनकी काफी खिल्ली भी उड़ाई। दरअसल उन्होंने अपना नाम घोषित होने के बाद कहा, अगर मैडम मुझे झाड़ू देकर सफाई करने के लिए कहें तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बस उनका ये कमेंट चर्चित होने लगा। विपक्ष ने इस कमेंट पर उन्हें आड़े हाथों लिया। जयल सिंह की काफी आलोचना हुई, लेकिन जयल सिंह ने भी कभी भी अपने इस कमेंट पर ना तो सफाई दी और ना ही अफसोस जाहिर किया, बल्कि उन्होंने हमेशा इंदिरा गांधी के लिए अपनी निष्ठा बरकरार रखी। विपक्ष ने संयुक्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हंसराज खन्ना को उम्मीदवार बनाया। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें जयल सिंह को 7,54,113 वोट वैल्यू मिले, जबकि हंसराज खन्ना को 2,82,685 वोट वैल्यू मिले। इस जीत के बाद जयल सिंह पहले सिख और पंजाब के इकलौते राष्ट्रपति बने। साल 1982 में एशिया का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने में 10 साल का समय लग गया। बहुत ही रिसर्च के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। इस पुल के निर्माण का काम 1972 में शुरू किया गया था। 10 साल बाद 1982 में पुल बनकर तैयार हुआ। महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन मई 1982 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ये दिन पटना और नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए उत्सव की तरह था। लोगों को भरोसा ही नहीं था कि गंगा नदी पर भी पुल बन सकता है। आने वाले कई सालों तक इस पुल को देखने आने वालों की लंबी तादाद होती थी। इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। ये देश में गंगा पर बने सेतुओं की श्रेणी में सबसे लंबा पुल है। महात्मा गांधी सेतु का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज था। जब इस पुल का निर्माण हुआ था तब यह एशिया का सबसे लंबा पुल था। गांधी सेतु के निर्माण में लगभग 88 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती अनुमान लगभग 47 करोड़ रुपए का था, लेकिन काम सही टाइम पर पूरा नहीं होने के कारण पुल निर्माण का खर्च बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। पुल निर्माण के दौरान 2 बार लगने वाले खर्च को बढ़ाया गया। टाइम के साथ पुल निर्माण का खर्च बढ़ता चला गया। इसका प्रावधान पहले से ही पुल के कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि 70 के दशक में इस तरह के बड़े पुल का निर्माण, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर थी, बहुत ही मुश्किल था। कई बार काम महीनों तक ठप रहा। इसी साल हमने 2 बड़े नेताओं को खोया। एक थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे जेबी कृपलानी। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती जीवन विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। गणित उनका सबसे प्यारा विषय बन गया। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान ही विनायक का मन वैरागी बनने के लिए आतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए। महात्मा गांधी की चर्चा देश में उस वक्त चारों ओर चल रही थी कि वो साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और आजादी का बिगुल बजाने में जुट गए। अखंड स्वाध्याय और ज्ञानाभ्यास के दौरान विनोबा का मन गांधी जी से मिलने के लिए आतुर उठा। पहुंच गए अहमदाबाद के कोचरब आश्रम। जब पहुंचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे। इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेगा, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बिना किसी उपदेश के स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वो बापू के हो गए। नवंबर 1982 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में खाना या दवा लेने से इनकार कर दिया था। आखिरकार 15 नवंबर 1982 को देश के एक महान समाज सुधारक स्वर्ग से धार गए। भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम जेबी कृपलानी का है। खासकर कांग्रेस के लिए तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जेबी पहले एक शिक्षक थे, फिर राजनेता बने। देश जब 1947 में आजाद हुआ तो आचार्य जेबी कृपलानी भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी भी थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश आजाद होने के बाद जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हो रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे अधिक मत आचार्य कृपलानी को ही मिले थे। लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा का आदर कर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी दोनों ने ही अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय संसद का पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ही लेकर आए थे। जेबी कृपलानी कभी इंग्लिश और इतिहास पढ़ाते थे, आदर से लोग उन्हें आचार्य जेबी कृपलानी कहने लगे थे और आज तक यही कहते हैं। आचार्य कृपलानी ने पूरी जवानी जिस पार्टी में लगा दी उसको भारी मन से छोड़ भी दिया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी शुरू कर दी, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई। लेकिन ये बात भी दिलचस्प है कि उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, जो 1963 में यूपी की चौथी और पहली महिला सीएम बनी। लेकिन जेबी कृपलानी जिंदगी भर विपक्ष में ही रहे, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। 1952, 1957, 1963 और 1967 के चुनावों में जीत कर लोकसभा पहुंचे। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी कि देश में इमरजेंसी के बाद राजनीतिक परिवर्तन की लहर में जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी ने ही 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था। कृपलानी ने इंदिरा गांधी की भी तानाशाही की प्रवृत्ति का विरोध किया, अनशन पर भी बैठे, लोगों ने नागरिक अवज्ञा और अहिंसक विरोध का आग्रह किया। 1976 में इमरजेंसी के दौरान वो गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेताओं में शामिल थे। अंततः उनकी लड़ाई सफल रही और जनता सरकार बनी। 19 मार्च 1982 को 93 साल की उम्र में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1983 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।